यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अपनी बाइक होगी KTM Duke 250 होगी, जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो, जैसे जैसे चलाते हो, तो कई सारी चीजें उसके सामने आती रहती हैं। कुछ चीजें अच्छी आती रहती हैं, कुछ चीजें बुरी आती रहती हैं। तो अच्छी जो चीज है वो मैं आपको बाइक के पास चलते हुए बताता हूँ, और जो बुरी चीजें हैं वैसे कोई बुरी चीज है ही नहीं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज सेंच, कैसे हो आप? होप के बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी। सो मुद्दा आज का ये है कि कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, मैं जो दिन पर दिन फील करता जा रहा हूँ अपनी KTM Duke 250 के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि काश कि आप अगर अपने बाइक को सर्विस करवाने जाते हैं तो काश वो चीज़ें होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि ड्यूक के लाइक KTM के शोरूम में ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी की शोरूम पे नहीं होती। वो चीज़ें आप खुद से ही अपने आप से कर सकते हो, या फिर आपका कोई लोकल मैकेनिक है उसकी मदद से आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें क्या हैं, चलते हैं अपने ड्यूक के पास और करते हैं बात उन चीज़ों के बाद। एंड यू नो द ड्रिल मैन, बाइक के पास पहुंचने पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एड मी ऑन द इंस्टाग्राम, दैट इज हार्ट सेंच। या सो दिस इज KTM Duke 250, और इसकी अच्छी बात यह है कि टाइमली जो मैंने ये नोटिस करी है कि ये सिंगल पुश सेल्फ स्टार्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक बार आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अभी मैं सिंगल पुश करूँगा, इस बाइक को ऑलरेडी 10 डेज हो गए हैं, ये बाइक चली नहीं है, और इट डजेंट मैटर चाहे आप 20 दिन बाद चलाओ, 25 दिन बाद चलाओ, इसकी जो सेल्फ स्टार्ट है वो सिंगल पुश सेल्फ स्टार्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि एक ऐसा फीचर है एक सुपर बाइक में आता है, दैट इज़ सुजुकी GSX-R 1000, और उसमें स्पेशली एक सिंगल पुश का बटन दे रखा है। एक वो ऐसी लोकती सुपर बाइक है जिसको आप हल्का सा बस एक सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड्स के लिए आप बटन पुश करोगे, और इवन उसमें उतना ही पुश करना पड़ता है और वो बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी सुपर बाइक और नॉर्मल बाइक में ऐसा फीचर नहीं आता। अगर टॉकिंग अबाउट द एवरेज सुपर बाइक, मैं ड्यूक को एक नॉर्मल एवरेज सुपर बाइक बोलता हूँ, इंडियंस की यूथ की फेवरेट सुपर बाइक है, तो सिंगल पुश स्टार्ट में बाइक स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप रेगुलर स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप 10 दिन बाद स्टार्ट करो या 20 दिन बाद स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छी बात लगती है इसकी। सो ये तो थी अच्छी बात। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं जैसे इस बाइक को चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि काश वो चीज़ें भी होती जो कंपनी, जो KTM है, जो KTM के सर्विस सेंटर हैं, काश वो आपको मुहैया करवाते, उपलब्ध करवाते। तो वो चीज़ें क्या हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजन ऑयल की। इसमें जो यूज़ होता है वो होता है मोटूल का 1040W इंजन ऑयल। वैसे परफॉर्मेंस वाइज सारे ही इंजन ऑयल बढ़िया होते हैं, बट मेरे को इस इंजन ऑयल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि आप अगर इस बाइक को काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट करते हैं और अच्छे से वार्म अप भी करते हैं, इवन आप 5 मिनट तक भी अगर आप वार्म अप करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि स्टिल इसका इंजन ढंग से वार्म अप नहीं होता। आप लोकल से सिटी से लेकर अगर हाईवे पहुंचने में आपको इवन 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, तो उस दौरान इसका जो इंजन है वो ढंग से हीट अप हो पाता है। हीट तो वैसे हीट तो अच्छा खासा हो जाता है, बट जो एक मिस मारने की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और वो इंजन की प्रॉब्लम नहीं है, वो इंजन ऑयल की प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ है ये मैंने काफ़ी फील करी है। ऐसी चीज़ मेरे पास जो इससे पहले बाइक थी यामाहा R15, उसमें यामा ल्यूब के इंजन ऑयल डलते थे, तो उसमें मैंने आज तक कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। इवन जो मैंने सेल्फ स्टार्ट की बात करी है वो अच्छी फीचर R15 में भी थी, R15 का भी सेल्फ स्टार्ट बहुत ही अच्छा था, बट सिंगल पुश स्टार्ट नहीं था उसका, मैं ये जरूर कहूँगा। लेकिन नो डाउट मैंने उस बाइक को माइनस टेम्परेचर स्नोफॉल में मैं एक बार लेके गया था, 2013 की जनवरी की बात है, शिमला में 0 से below टेम्परेचर हुआ पड़ा था और सिंगल पुश में वो बाइक स्टार्ट हो गई थी। बट टॉकिंग अबाउट दिस KTM Duke 250, जो कि एक नॉर्मल गर्मियों का टेम्परेचर है, स्टिल अगर आप 5 डेज या 10 डेज बाद स्टार्ट करते हो, जो कि गर्मियाँ हैं, और उसमें भी आपका जो इंजन है वो ढंग से वार्म अप नहीं हो पाता, उसको मतलब पूरा अच्छा हीट करने के लिए दिस बाइक नीड्स अ टाइम, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। तो मैं बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं निकाल रहा, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं निकाल रहा, मैं निकाल रहा हूँ प्रॉब्लम इंजन ऑयल में, दैट इज़ मॉड्यूल 1040W।
अब बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, जो कई बंदे अपने आप ही सर्विस करते हैं इस बाइक की, 390 की भी या 200 की। तो जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं, दे आर यूजिंग अ प्रोडक्ट्स ऑफ लिक्विड मोली। लिक्विड मोली के ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको KTM के सर्विस सेंटर पे आपको नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस है इंजन ऑयल। इसके अलावा सर्विस में आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये तो यूज़ होता है, बट इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लिक्विड मोली की कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ कि इंजन का जो ऑयल है उसमें फ्लश यूज़ होता है, शूटर कहते हैं उसमें, आपको इंजन ऑयल निकालने से पहले उसमें वो डाला जाता है ताकि इंजन ऑयल थोड़ा पतला हो जाए और अच्छे से फ्लश हो जाए। उसके बाद ऑक्टेन बूस्टर आता है पेट्रोल में डालने के लिए, फुल टैंक में डाला जाता है वो। हालांकि ऑक्टेन बूस्टर क्या होता है कि पेट्रोल की क्वालिटी को और अच्छा इंप्रूव कर देता है, वो सारी सुपर बाइक्स में यूज़ करना बनता है। अगर आपके पास हाई एंड इनलाइन फोर सुपर बाइक है तो यस, हाई ऑक्टेन बूस्टर आपको यूज़ करना बनता है, या फिर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाना बनता है आपका। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हैं तो हाई ऑक्टेन बूस्टर आपको डालना अच्छा रहता है इंजन के लिए, और वो इवन माइलेज भी बढ़ाता है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है और पावर भी बढ़ाता है। बट ऑब्वियस है, रेगुलर बेसिस पे जहाँ हम ये देखते हैं कि बाइक की एवरेज ज़्यादा हो तो आप वो यूज़ करते हैं, बट वो ऑब्वियस है वो आपको 250 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं आपको महंगा ही पड़ेगा, बट वो आपकी श्रद्धा है। अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गिव योर बाइक अ नाइस फ्यूल तो आप ऑक्टेन बूस्टर डाल सकते हैं, और वो भी लिक्विड मोली का आता है। वैसे बहुत सारी कंपनीज के भी आते हैं, कैस्ट्रॉल का भी आते हैं, बट एक कहने का आज मुद्दा जो है बात का कि लिक्विड मोली एक ऐसी कंपनी है जो KTM से आप अगर आप खुद से सर्विस करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू द ग्रीसिंग, रिलेटेड टू द इंजन जो फ्लूड्स डलती हैं इंजन के अंदर और फ्लश करने के लिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत सारी आती हैं लिक्विड मोली की। तो मैं फ्यूचर में इस बाइक की अगर सर्विसिंग KTM डीलरशिप से ना करवा के कहीं और से करवाता हूँ तो डेफिनेटली आई एम गो फॉर द लिक्विड मोली प्रोडक्ट्स। वैसे मैं कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं कर रहा, मैंने कई सारे ऐसे रिव्यूज़ पढ़े हैं लिक्विड मोली के बारे में। सो ये रही बात बात की, बट अभी इस बाइक ना ही इतनी ज़्यादा चलती है और नॉट अ बिग इशू जो मैंने वार्म अप से लेट हुआ, ये कोई बिग इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल इशू है। बट स्टिल आई एम शेयरिंग माई ओनरशिप रिव्यू, जैसे जैसे इस बाइक को मैं चलाऊँगा उसको मैं वैसे ही बताता भी रहूँगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि काश अगर ऐसे प्रोडक्ट्स जो KTM डीलरशिप में अगर अवेलेबल होते तो मज़ा ही आ जाता, बट नहीं है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें, जब तक ना करें जब तक आपकी बाइक की फ्री सर्विस ख़त्म नहीं होती है, वारंटी ख़त्म नहीं होती है। वारंटी पीरियड में आप अपना बाइक की सर्विस KTM डीलरशिप से ही करवाएं, फालतू पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है वारंटी ओवर हो गई है और आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है अपनी बाइक को, अपनी बाइक की सर्विसिंग इम्प्रूव करवानी है, तो आप लिक्विड मोली के प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी बाइक को जैसे मर्जी पैम्पर करें, इट्स ऑल ऑन यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे व्लॉग रिलेटेड टू द KTM Duke 250, अ सेल्फ स्टार्ट एंड द सर्विसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द लिक्विड मोली, अ डिफरेंस बिटवीन द इंजन ऑयल मॉड्यूल 1040 एंड द लिक्विड मोली 1050W। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रिलेटेड टू द KTM Duke। दिस इज सेंज, राइड सेफ, राइड हार्ड, अपना भी ध्यान रखें, अपने बाइक का भी ध्यान रखें, एंड लिव योर लाइफ मैन, लिव योर लाइफ। Yeah. Vibing on to you, I'm seeing how you move. Imagine all the things we get into. I need you to put me all the way. I need it all, baby. Let me see you drop it, drop it. Make sure it's all the way down. I'ma keep it solid, solid. If you hold me all the way down, if you pull me all the way. Thank you.